वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों, और आज हम रिव्यू करेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स और कुछ यूज प्रोडक्ट्स, और खास करके हमें रिव्यू करना है और यूज और एक्सपीरियंस करना है दो प्रोडक्ट्स विच आर काइंडली गिवन टू मी बाय श्री शैलेंद्र जी चौहान। इफ यू डोंट नो हिम, यू मस्ट हैव सीन एन इंटरव्यू जो हमने काफी टाइम पहले किया था सत्ताधार स्टोर्स में, एंड जिसमें हमने उनका इंटरव्यू लिया था। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम मिस्टर शैलेंद्र चौहान जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दीज प्रोडक्ट्स, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ग्रेस एलो टर्मरिक शेविंग क्रीम 40% एक्स्ट्रा इन दिस पैक। ओके, इसको रिव्यू करेंगे। एंड सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ बोरो प्लस, विच इज बोरो प्लस सॉफ्ट आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, लाइट एंड नॉन स्टिकी, फेस हैंड्स बॉडी कवर्स एवरीथिंग। सो यप, इन दोनों को कवर करेंगे। विल यूज दिस एज एन आफ्टर शेव, ग्रेस शेविंग क्रीम एज अ शेविंग क्रीम, एंड अ न्यू रेजर एज वेल विच वॉज ऑल्सो गिवन टू मी बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शेविंग वीडियो, लेट्स बिगिन। तो प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, ओवरऑल हम कौन से यूज करेंगे। सिर्फ शेविंग चालू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आज मैंने पर्ल शेविंग का ये फेस वॉश यूज किया है, नीम एंड तुलसी इसका वेरिएंट है। इस तरीके का भी कुछ दिखता है, वेरी इंटरेस्टिंग स्मॉल बॉल्स इनसाइड इट। नाउ इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट एज सच, बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्रब एज सच, बट इट हैज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजेशन पावर एंड इट गिव्स गुड क्लेंजिंग, वेरी सफिशियंट गुड क्लेंजिंग। एंड खास करके दोस्तों, शेविंग के पहले दिस फेस वॉश हैज बीन वेरी इफेक्टिव फॉर मी, एस्पेशली टू इंक्रीज द ग्लाइड एंड टू रिड्यूस द ड्राइनेस ऑन द स्किन एंड बियर्ड। ओके यार, हिंदुस्तान का वीडियो है तो हिंदी में भी बोल रहे भाई। ओके, सो रेजर की बात करते हैं। आज हम यूज करेंगे ये वाला रेजर, विच इज बेसिकली लोकल रेजर, ठीक है, लोकली बना हुआ ये अपने भारत में। इसको यूज करेंगे, इसके टॉप कैप से जो है वो अलाइनमेंट इतनी कोई खास नहीं है, बट बेस प्लेट के साथ में एज आई कैन सी इसका अलाइनमेंट अच्छा खासा है। ब्लेड वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ब्लेड्स रिसेंटली, आरके स्टेनलेस। आरके वालों का क्या ही कहना यार, वो तो विदेश तक पहुंच गए, हेंसन वालों के साथ में उन्होंने टाई अप कर लिया, एंड दैट ब्लेड इज रियली परफॉर्मिंग वेरी गुड इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की शेविंग और भी बातें करेंगे। एज ऑलवेज थोड़ा सा पानी चेहरे पे, और अभी से ही मुझे अच्छी खासी यू नो मॉइस्चर महसूस हो रही है चेहरे पे यार। तो ठीक है, इसको ओपन करते हैं हम। मैं क्या करता हूँ कि इस हॉर्स हेयर ब्रश को, विच इज यूनिकॉर्न मॉडल ऑफ द ताइवान शेविंग ब्रश, आजकल ताइवान भी बड़ा न्यूज में है, बट मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इस ब्रश का नाम ताइवान ब्रश है, बट ये बनता भारत में ही है बाय सिंगल सन्स डेयरी। ओके, शेविंग क्रीम हमने निकाल लिया, थोड़ा सा शेविंग क्रीम अप्लाई करेंगे चेहरे पे। खुशबू इसकी अभी तक तो ठीक लग रही है, नॉर्मल शेविंग क्रीम। ओके, विल अप्लाई सम, थोड़ा सा और लगाऊंगा यार, आई एम यूजिंग इट ऑल द फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी खुशबू मैं आपको बताऊं कैसी है, इसकी खुशबू एग्जैक्टली गोदरेज शेविंग राउंड जैसी है, एग्जैक्टली या दिस इज हाउ इट फील्स। और अभी लादरिंग करूंगा इससे तो और पता पड़ेगा खैर, बट अभी जो राइट आउट ऑफ ट्यूब मैंने जो खुशबू ली, एग्जैक्टली गोदरेज शेविंग राउंड जैसी इसकी खुशबू है। ठीक है जी, थोड़ा सा जो है स्प्रेड कर लेता हूँ शेविंग क्रीम में पहले, एंड चालू करते हैं लादरिंग प्रोसेस विद दिस हॉर्स हेयर ब्रश। डॉट लग गया रैक पे, लादरिंग हो गई अच्छी, एंड जो ये यूनिकॉर्न ब्रश है बहुत अच्छा लादर बना है इसने। और काफी बार मैं जो है जब शुरुआत में हॉर्स हेयर ब्रशेस यूज करता था, आई वॉज वेरी अनसक्सेसफुल इन माई अटेम्प्ट्स, एंड फिर मैं ये सोचता था कि यार हॉर्स हेयर ब्रशेस वाई डोंट दे परफॉर्म, मतलब बार्बर शॉप्स वाले यूज करते तो इतना अच्छा लादर बनता है, फील्स वेरी गुड ऑन द फेस एज वेल, वही सेम ब्रश हम यूज करते तो क्यों नहीं बनता, या इसके ब्रिसल्स इतने ज्यादा झड़ते क्यों हैं। द रीजन इज कि हम लोग उसको इनफ भिगो के नहीं रखते शेविंग के पहले। हॉर्स हेयर ब्रश को बिल्कुल पानी में डिप करके रखो, मतलब कंटिन्यूस नहीं, बट आप अगर मान लो शेव करने वाले हो आधे घंटे बाद, तो उसको डिप करके रख दो पानी में, उसका ग्लू भी टाइट हो जाएगा और बाल थोड़े से जो है वो नरम भी आई थिंक हो जाएंगे, जिससे कि आपको लादरिंग अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा पानी होल्ड करेगा वो तो सॉफ्ट भी लगेगा चेहरे पे। एनीवेज, आज का रेजर हमारा, ओके, ब्लेड ऑलरेडी लोड कर दिया मैंने आरके स्टेनलेस। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। हाथ कंगन को आरसी क्या,
आरके स्टेनलेस ब्लेड, ओके ठीक है जी, ये हो गई। एंड वही नॉर्मल 3 पीस रेजर, जैसे हमने इसको लोड कर दिया है ब्लेड को रेजर के अंदर। नाउ वन थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप कैप से इसके अलाइनमेंट इतनी कोई खास नहीं है, बट बेस प्लेट से ब्लेड के एज के अलाइनमेंट बिल्कुल पैरेलल है, एंड दैट बेसिकली इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। टॉप कैप से भी हो बहुत अच्छी बात है, दिखने में रेजर अच्छा दिखता है, एंड दैट आइडियली दैट्स हाउ इट शुड बी। बट अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट बेस प्लेट के साथ में ब्लेड के एज का बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ओके ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पास विद ग्रेन शुरू करते हैं। आई कैन डेफिनेटली फील द एज ऑफ द ब्लेड हियर। सो इसमें जो है वो थोड़ा सा, हाँ इसको टेक्निकल टर्म्स में पॉजिटिव एक्सपोजर कहें, एफिशिएंट कहें, जो कहना चाहें कहें, मैंने जो फील हुआ वो मैंने बता दिया आपको कि इसमें ब्लेड का एज फील हो रहा है। नाउ द ब्लेड इटसेल्फ इज अ स्मूथ ब्लेड, आरके स्टेनलेस, इसलिए इरिटेशन नहीं हुआ, बट आई एम फीलिंग द एज हेयर, एंड इट इज नॉट अ माइल्ड रेजर, इट इज स्लाइटली मीडियम एग्रेसिव ही कहूंगा इसको मैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट एग्रेसिव, बट इसमें जो है वो शेव की एफिशियंसी थोड़ी ज्यादा है। आई मीन पीपल हु हैव वेरी हार्ड हेयर एंड इफ दे यूज अ मिड एग्रेसिव और मिड शार्प ब्लेड, सॉरी, तो उनको जो है वो ज्यादा मजा आएगा इसमें। फॉर मी आई एम लाइकिंग इट विद द आरके स्टेनलेस, बिकॉज आरके स्टेनलेस इज अ माइल्डर ब्लेड फॉर मी। इट इज नॉट लाइक फेदर एक्सेट्रा, आई एम सॉरी आई शुड नॉट से दैट, आरके स्टेनलेस इज आरके स्टेनलेस, ओके, वो अच्छा ही परफॉर्म करती है, चाहे वो शेवेड के साथ में हो, चाहे वो डबल एज रेजर के साथ में हो। आप ट्राई करके देखिए कि आपको आरके स्टेनलेस ब्लेड जम रहा है नहीं, ओके, बट आई एम लाइकिंग दिस ब्लेड इन दिस रेजर टूडे। दिस रेजर इज डेफिनेटली नॉट माइल्ड एंड एज फील हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आरके स्टेनलेस को चूज किया आज मेरे लिए। अदर गुड ऑप्शन कुड हैव बीन लेजर अल्ट्रा, स्टेटम, वन सुपर स्टेनलेस बाय वर्टिस ग्लोबल, दैट कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, बट या आरके स्टेनलेस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड, शेविंग वेल विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, फर्स्ट पास विद द ग्रेन हो गया, चलिए सेकेंड पास के लिए लादरिंग करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। थोड़ा सा पानी वापस से चेहरे पे, क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड टूडे और टेम्परेचर जो है आज पानी का वो लगभग 25 डिग्रीज है। जस्ट यूजिंग पेंटिंग मोशंस, कोई बहुत ज्यादा शेविंग क्रीम नहीं लिया था, सो आई कांट ब्लेम दिस, इट लाइक ए नॉर्मल शेविंग क्रीम, या एंड हल्का सा इसमें जो है वो गोदरेज शेविंग राउंड की खुशबू है, मतलब आ रही है, गोदरेज शेविंग राउंड एंड सम हिंट्स ऑफ द गोदरेज कूल मेंथॉल ब्लू वाला जो शेविंग क्रीम आता है ना, उसकी कुछ मुझे हिंट्स मिल रहे हैं। इफ यू लाइक बोथ ऑफ दीज देन यू मे ट्राई दिस शेविंग क्रीम, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिस्टर शैलेंद्र जी चौहान, माई डियर फ्रेंड, जिन्होंने मुझे ये ट्राई करने के लिए दिया, एंड आई एम लाइकिंग इट ओवरऑल। अभी तक मुझे कोई इसमें कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लग रहा है। ऑलराइट, सेकंड पास लेट्स डू अक्रॉस द ग्रोथ, गालों पे नाइस ऑडिबल फीडबैक,
लास्ट टाइम पिंकुल वाली शेव की थी, वो भी बहुत अच्छी हुई यार। नो कंप्लेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लाइड, कोई टगिंग नहीं हो रही, कोई स्किन खींच नहीं रही रेजर। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ट्रेडिशनल वेट शेविंग। ओके अगेन ग्रीन कर लेते हैं अपन नेक एरिया पे। नाइस। एंड जिन लोगों को ये तकलीफ होती है ना दोस्तों कि यार मैं हफ्ते में एक बार दाढ़ी बनाता हूँ और फिर मेरे बाल खींचते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो खींचते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यार हफ्ते में एक बार क्यों यार, थोड़ा टाइम लगा कर दो बार बनाओ ना यार दाढ़ी। बाल छोटे छोटे रहेंगे तो आराम से कट जाएंगे, बट फिर आप ये बोलोगे कि भाई फिर रोज ही बना लेते हैं हम दो बार। नो, देन यू आर ओवर डूइंग इट। शौक है, शेविंग अच्छी लगती है, ठीक है, क्लीन लुक अच्छा लगता है, एब्सोल्युटली फाइन, बट आपकी स्किन की भी लिमिट है यार, उसको समझो आप। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर गेटिंग इन टू। एंड मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके अक्रॉस लाने वाला हूँ, आपके समक्ष लाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट वेरी वेरी सून, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट वेट शेविंग की दुनिया में आप आए और फिर लोग आपको BST के नाम पे उल्लू बनाए। सो आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग विच विल हेल्प प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, एंड दिस इज थ्रू आवर एक्सपीरियंस इन वेरियस वेट शेविंग ग्रुप्स, चाहे वो परफ्यूमरी के हों, चाहे वो शेविंग के हों, बट कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। हमें हमारा शौक है शेविंग, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम इस शौक का गलत फायदा उठाते हुए कोई हमको उल्लू न बना दे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चिंता मत करो, मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे आपको कोई भी उल्लू नहीं बना पाएगा। ऑलराइट, सो ओवरऑल गुड शेव, मतलब या नाइस एंड प्रेजेंटेबल शेव। आई वोंट कॉल इट एज अ BBS शेव, बट इट वॉज नाइस एंड प्रेजेंटेबल। ओके, बोरो प्लस सॉफ्ट आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, लेट्स चेक दिस आउट। इस तरीके का इसका ट्यूब है एंड इसमें प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस फेस, सॉफ्टनेस ड्राई हैंड्स एंड फॉर चैप्ड लिप्स। बट इन एडिशन टू दिस, इसमें जो है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इमेज दी हुई है उन्होंने कि कट्स क्योर्स कट्स एंड वूंड्स। ओके, मतलब कट्स और वूंड्स को ये क्योर करता है। सो उसमें शेविंग का ही फोटो बनाया हुआ, तो आई गेस दैट्स व्हाई मिस्टर चौहान जी थॉट दैट यू नो आई शुड यूज दिस एक्सपीरियंस दिस एंड रिव्यू इट। तो मैं कर रहा हूँ एंड थैंक्स टू चौहान जी फॉर दैट। अबाउट इतना लिया मैंने, ठीक है, इतना लिया है एंड जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस एंड अप्लाई। नाइस हर्बल फ्रेशनिंग खुशबू है इसकी। या आई मीन आई डोंट थिंक एनीवन वुड फील एनीथिंग ऑफेंडिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। वेरी नाइस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फ्रेग्रेंस, गुड। इट इट डज हैव अ मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट, बट आई कैन फील दैट इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब वेरी क्विकली, जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन के अंदर, प्लस मॉइस्चराइज भी कर रहा है, विच इज वेरी गुड, नाइस। एंड कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसे जलन वगैरह नहीं हो रही है, ना ही कोई ठंडा भी नहीं लग रहा, बट या ओवरऑल आई एम फीलिंग गुड। माई स्किन इज मॉइस्चराइज, नॉट स्ट्रेची, नॉट ड्राई एट ऑल। इसमें कहा गया है कि इसमें एंटीसेप्टिक इफेक्ट है, सो दैट्स वॉट बेसिकली आई वॉन्ट टू डू विद माई स्किन आफ्टर अ शेव। शेविंग को हॉबी और पैशन की तरह लेना है तो यार अपने तीन फेसबुक ग्रुप्स बनाए हुए अपन ने, इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स, ओके, इंडियन वेट शेवर्स और इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड। एंड एज यू नो मैं सिर्फ इन तीन ग्रुप्स के साथ में ही एसोसिएटेड हूँ। हम मिलेंगे फिर से एक वेट शेविंग एपिसोड में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर। बट जाओ मत, वीडियोस आने वाले हैं, इधर या इधर कहीं तो आएंगे। बाय।